हेलो एवरीवन, इट्स मी अंजलि फ्रॉम अंजलिस फूड एंड ट्रैवल वर्ल्ड। तो गाइज, अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आज मैं अब लेके आने वाली हूँ आप लोगों के सामने अपना नया ट्रैवल सीरीज़। तो गाइज, अभी आप देख सकते हैं आपको एक हाईवे जैसा रास्ता दिख रहा है और एक मैं इतने सारे बसेस के सामने खड़ी हूँ। और मैं कहाँ जा रही हूँ और ये कहाँ का ट्रिप है एंड ये कौन सा जगह है, आपको कृष्णनगर दिख रहा होगा। तो आपको क्या ये देख के कुछ समझ में आ रहा है कि मेरा नेक्स्ट डेस्टिनेशन कौन सा है? तो अभी आप और एक चीज़ देखिए, ये है बस, शामुली बस टूर एंड ट्रैवल्स, और हम लोग पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन में। तो गाइज़, आप ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके होंगे, तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो ये मैं निकल चुकी थी लेक टाउन से अपने घर से, और मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ धर्मतल्ला और एस्प्लेनेड। अगर आपको पता नहीं है, अगर आप कोलकाता के बाहर रहते हो तो एस्प्लेनेड वो जगह है या धर्मतल्ला वो जगह है जहाँ से श्यामोली और बाकी सारे बसेस छोड़ते हैं, और ये बसेस हमें लेके जाते हैं शिलीगुड़ी यानी कि न्यू जलपाईगुड़ी, जिसे NJP भी कहा जाता है। तो क्योंकि इस बार अभी जून महीने में जो भी आपका है ना, मई जून और ये सारा जुलाई, ये सब काफ़ी सारे पीक सीजन्स है, ठीक है। तो आप अगर अपना टिकट पहले नहीं बुक करेंगे तो आपको जाना पड़ेगा, बसेस ही आपको मिल लेना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेन की जो बुकिंग होती है वो 4 महीने पहले हो जाती है। तो इसके लिए आपका बुकिंग वगैरह सब कुछ पहले से होना चाहिए। तो ये हमारी जो ट्रिप थी, ये काफ़ी ज़्यादा गर्म, मैं कह सकती हूँ जब गर्मी पड़ी हुई थी कलकत्ता में, तब हम लोगों ने ये ट्रिप बनाया एंड डिसाइड किया कि चलो एटलीस्ट 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए बाहर जाया जाए। और शामोली से NJP जो हम लोग जा रहे हैं, अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं, पेलिंग, लावा, लाचुंग, लोलेगांव, दार्जिलिंग या गैंगटॉक? तो ये 5-6 ऑप्शंस मैंने आपको बताए, इनमें से कोई एक जगह जाऊंगी। तो अगर आप मेरे पूरे ट्रैवल सीरीज़ को देखोगे, अब से आपको रेगुलर वीडियोस मेरे चैनल पे दिखेगी, और जो रेगुलर वीडियो है, किसी किसी दिन शायद मैं एक दिन में 2 वीडियोस भी डाल दूँ, ताकि आपके अंदर वो चीज़ एक्साइटमेंट बना रहे कि मैं हर दिन क्या क्या वीडियो डाल रही हूँ, या किसी दिन में 2 बार भी डाल सकती हूँ, वो डिपेंड करता है। तो हम लोग कृष्णनगर पहुँच गए थे बस में बैठे बैठे, और ये हम लोगों ने ऑर्डर किया था तड़का रोटी और चिकन रोल हम लोग लेके गए थे। और ये देखिए, जस्ट भीड़ देखिए कृष्णनगर में, आप भीड़ को देख सकते हो, बहुत ज़्यादा ओवरक्राउडेड है। और इतना भीड़ में क्या होता है ना कि आपको कुछ गर्मी लगती है बहुत। और ये देखिए, आलू पराठा था जो भीकाराम से हमने ऑर्डर किया था, बट मुझे घी का पराठा बिल्कुल पसंद नहीं है, मतलब मेरा पर्सनली मुझे एकदम पसंद नहीं। मुझे तेल में तला हुआ पराठा इज़ ओके फॉर मी, बट घी वाले पराठे में बिल्कुल नहीं खा सकती, मुझे उस फ्लेवर और उस स्मेल से प्रॉब्लम है, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो मैंने नहीं खाया, इसलिए मैंने तड़का रोटी कृष्णनगर से ऑर्डर कर लिया। ये जो रेस्टोरेंट है काफ़ी फेमस है, आप इसमें चकाचक जो भीड़ दिख रही है आप उसको देख के समझ सकते हो, पंथा तीर्थ करके इसका नाम है। और यहाँ पे सारी बुकिंग्स वगैरह भी होती हैं, ये जो बुकिंग्स होती है टाइगर हिल वगैरह और काफ़ी सारी जगह। देखिए शाली, आपको ये सारे आपको रास्ते में दिख जाएंगे शामोली के बसेस, एंड इस तरीके का कुछ देखने में है। पंत्र तीर्थ जो जगह था, रेस्टोरेंट, हम लोग वहाँ से अभी जस्ट निकल रहे हैं, और अब है ये मॉर्निंग पे बस फिर से रुका, 2 बार बसेस एटलीस्ट रुकता है। अभी ये शायद 5:30 हो रहा है मॉर्निंग में, वॉशरूम जाने के लिए एक बार रुकते हैं, या चाय ब्रेक, टी ब्रेक, आप कुछ भी कह सकते हैं, 10-15 मिनट के लिए एक बार रुकेगा, और एक बार इवनिंग में, जैसे कि रात में रुकता है 10 या 11 के बीच, जब भी कृष्णनगर आए। कभी कभार जाम रहा रास्ते में तो इससे लेट भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लोग चाय वगैरह पी रहे, थोड़ा फ्रेश हो रहे हैं। तो ये बेसिकली ऐसा स्पॉट है जहाँ पर लोग फ्रेश होने के लिए रुकते हैं और वॉशरूम वगैरह भी जाते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे काफ़ी मतलब मैंगोज़ बिक रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। और यहाँ से अभी हमारा सफ़र शुरू होने वाला है, मेन सफ़र सिलीगुड़ी अब थोड़ा ही दूर है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। वो जगह को हम लोग काफ़ी पीछे छोड़ के आ गए, अब धीरे धीरे आप देख सकते हैं हम लोग आगे बढ़े। तो गाइज़, अगर मैं आपको बात करूँ कि अगर आप शामोली बसेज़ लेते हो तो इसकी जो सर्विस होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, और 1200 से 1500 या कभी कभार 2 या 2500 भी टिकट का प्राइस जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सीज़न टाइम। जितनी जल्दी पहले बुकिंग करवाओगे तो थोड़ा टिकट का प्राइस बढ़ा हुआ नहीं मिलेगा, सस्ते में हो जाएगा, और आप अपने फेवरेट सीट्स भी मिल जाएंगे। और जितना एंड में बुकिंग करोगे, जितना सीज़न टाइम में आप बुकिंग करोगे, तो आप देखोगे कि वही सेम टिकट जो आपको 1200 या 1500 के अंदर मिल जाएगा, उसका प्राइस 2000 तक भी या 2500 तक भी जा सकता है, अगर आप स्लीपर AC बस लेते हो तो। तो पैसे बचाना चाहते हो तो ट्राई करो थोड़ा पहले बुक करने का, और कुछ ऐप्स हैं जहाँ से आप बुक कर सकते हो।
रेड बस, गो आई बी बो, मेक माई ट्रिप, बुकिंग डॉट कॉम, मतलब काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं बसेस को बुक करने का। या अगर आप धर्मतल्ला एस्प्लेनेड जाते हो वहाँ से भी डायरेक्टली बुक कर सकते हो, तो वहाँ आपको कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। बट जो जो साइट्स मैंने बताए वहाँ से पे करोगे, मतलब अगर बुकिंग करते हो तो थोड़ा घर पे बैठे बैठे बुक कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको थोड़ा तो चार्ज पे करना पड़ेगा फॉर टैक्सेस एंड ऑल। तो अभी हम लोग NJP सिलीगुड़ी एंटर कर चुके हैं और ये है नॉर्गे तेंजिंग बस स्टैंड, जो कि इतने सुबह, मतलब आई थिंक 9:30-10 बज चुका था क्योंकि बस काफ़ी लेट हो गया था। तो इतना सुबह में ये देखिए अभी हम लोग को शामोली में ड्रॉप किया। शामोली में एक चीज़ काफ़ी अच्छा है, अगर आप एंटर करोगे ना तो यहाँ पे एटलीस्ट वो सिटिंग एरिया है, वो वेटिंग रूम जैसा बना हुआ है जिसमें वॉशरूम है एंड काफ़ी अच्छी सर्विसेज है इनकी, और यहाँ आराम से आप बैठ सकते हो। और बहुत सारा ट्रैवल्स है और भी, लेकिन उसमें सिटिंग एरिया प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है। तो ये है शामोली का स्टैंड, मैंने आपको दिखा दिया, इसका नंबर भी है। आप मेरे वीडियो को पॉज करके अच्छे से नंबर नोट डाउन करिए। और हमारा कार आ चुका था, हमारे लिए वेट कर रहा था। एग्जैक्टली 10 बजे हमने कहा था कि हम लोग पहुँच रहे, और वो ड्राइवर कोइंसिडेंटली 10:10 के अंदर आ गए। बहुत ही टाइम मेंटेन करते हैं। और ये गाड़ी मैंने बुक किया था गोजो कैब से और हम चले गैंगटॉक। बुकिंग मतलब ये जो आपका फुल राइड है, मतलब गैंगटॉक जाने का, NJP टू गैंगटॉक, ये आपका 3,500-4,000 प्राइस लग जाता है अगर आप दो लोग शेयर करके जाते हो। चार, अगर आप सोचते हो कि आपको शेयरिंग कैब से जाना है गैंगटॉक, तो 400-500 या 600 तक भी लग जाता है पर पर्सन। तो ये थे दो ऑप्शन, और बसेस से भी आप जा सकते हो जो कि 350-400 पर पर्सन के दाम में हो जाएगा। जितनी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ मैंने सारी कुछ शेयर कर दी। और चलिए मिलते हैं इस वीडियो के पार्ट 2 में बहुत जल्द। थैंक यू एंड बाय बाय।